थाना ओंछा परिसर में शिवानी मिश्रा ने किया महिला हेल्प डेस्क रूम का उद्घाटन। कस्बा के थाना परिसर में मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कस्बा ओंछा निवासी महिला शिक्षिका शिवानी मिश्रा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिवानी मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के बारे में थाने में शिकायत करते समय पीड़ित महिला पुरुष पुलिसकर्मी को अपनी समस्या बताने में झिझकती थी। अब महिला हेल्प डेस्क पर वह अपनी समस्या आसानी से रख सकती हैं। साथ ही उन्होंने शासन द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया। इस मौके पर थाना प्रभारी ऋषि कुमार, उप निरीक्षक साहब सिंह, मोहन शर्मा, राधाचरण, विजेंद्र सिंह, शिशुपाल सिंह, योगेश कुमार, टीना मिश्रा, विनोद कुमार यादव, संजीव मिश्रा, राजीव कुमार, राकेश यादव, शिव प्रताप सिंह, अर्जुन कुमार, नितिन कुमार, सराफत अली, राजेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। महिलाओं को सुरक्षा मिली है, महिलाओं को सुरक्षा पूरी सुरक्षा मिली है, 10-90 है जी। और यहाँ कोई भी महिला संबंधी जी शिकायत है तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा और प्रतिदिन 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। आज महिला हेल्प डेस्क का कक्ष का उद्घाटन जी शिवानी मिश्रा द्वारा किया जा रहा है, किया गया है जी। जो आपके साथ हैं ये दो अपना बता दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी मिश्रा है, मैं असिस्टेंट टीचर हूँ KPS ओंछा पर। और मैं सबसे पहले सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर दिस इनॉग्रेशन। एंड बस यही कहूँगी कि काफ़ी सारी लेडीज होती हैं जो मतलब नहीं बोल पाती हैं, जेंट्स स्टाफ होता है पुलिस में, तो उनको थोड़ा असहजता महसूस होती है कि हम कैसे अपनी बात कहेंगे। पहले तो वो आगे आती ही नहीं है, शारीरिक शोषण है, उत्पीड़न है, जो भी है, पहले वो आगे आती ही नहीं है। और अगर आपके आप ही जाएँ तो जेंट्स स्टाफ के आगे उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो महिला हेल्प डेस्क है वो काफ़ी इस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक सॉल्यूशन रहेगा इसका।